से अच्छा हिंदुस्तान। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपने आगे ग्राउंड में संग्रह करें, आवागमन को बाधित आप न करें। हमारे बीच में जनपद सहारनपुर से सतपाल वर्मा जी जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, रजनी चौहान जी जो प्रदेश में हमारे पदाधिकारी हैं, अनिल सैनी जी सहारनपुर चल के हमारे बीच आए, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कम है हिंदुस्तान की सरजमी को आदाब करता हूं, हिंदुस्तान की सरजमी को आदाब करता हूं। मेरे दोस्तों मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तानियों को सलाम करता हूं। सुबह और शाम को नाकाम नहीं होने देंगे, नहीं करेंगे। ताली जरा बजा के उत्साहवर्धन जरूर करना चाहिए आप लोगों को। सुबह और शाम को नाकाम नहीं होने देंगे, सुबह और शाम को नाकाम नहीं होने देंगे। अपने भारत माता को लीलाम नहीं होने देंगे, बचा लेंगे हम अपना दामन नफरतों से, अपने तिरंगे झंडे को बदनाम नहीं होने देंगे। दोस्तों वक्त तो कम है, एक गजल पेश करता हूं, उसके बाद में एक अशआर सुनाऊंगा। अपने अरमानों का हमें अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए। अपने अरमानों का हमें अधिकार चाहिए, अब पहले जैसा हमें हिंदुस्तान चाहिए, हिंदुस्तान चाहिए। ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, ना मुसलमान चाहिए। ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, अपने हिंदुस्तान में हमें अमनो अमान चाहिए, अमनो अमान चाहिए। दोस्तों एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। बंजर जमीन पे फूल खिल जाएंगे, फूल खिल जाएंगे। बंजर जमीन पे फूल खिल जाएंगे, बेसहारा को सहारे मिल जाएंगे, सहारे मिल जाएंगे। फिरोज भाई जैसा इंसान चाहिए, ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, ना मुसलमान चाहिए। बंजर जमीन पे फूल खिल जाएंगे, बेसहारा को सहारे मिल जाएंगे, सहारे मिल जाएंगे। भाई अशरफ जैसा हमें इंसान चाहिए, ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, ना मुसलमान चाहिए। अपने अरमानों का हमें अधिकार चाहिए, पहले जैसा हमें हिंदुस्तान चाहिए, हिंदुस्तान चाहिए। बंजर जमीन पे फूल खिल जाएंगे, फूल खिल जाएंगे। जयंत जैसा में, जयंत जैसा में इंसान चाहिए, ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, ना मुसलमान चाहिए। दोस्तों एक अशआर के साथ, उन गद्दारों को पूरा हिंदुस्तान समझता है। खुदा हाफिज। बहुत सुंदर। बहुत दिन से जब जिंजाना की सड़कों पर जिंजाना आते थे तो ढूंढते थे कि कौन आदमी ऐसा हो जो पार्टी को मजबूती प्रदान कर सके। हाजी मोहम्मद फिरोज खान साहब, बहुत दिन से नजर हमारी आपकी तरफ थी, लेकिन ये मंजर देख के आज लग रहा है कि हमको बहुत पहले आपके नजदीक आ जाना चाहिए था, और आज आप हमारे बीच आए हैं अपने साथियों के साथ। कय्यूम मंसूरी साहब, मौलाना हामिद हसन साहब, बीरेंद्र जी, चौधरी नौरंग जी और पंजाब जी, प्रयास तो बहुत दिनों से था लेकिन मिले देर में, लेकिन जब भी मिले तो खूब मिले। आज ये मंजर देख के लगता है कि पार्टी को, सड़क पे हमारे किसान भाई खड़े हैं, मेरे पहले भी मैं अनुरोध आपसे कर चुका हूं कि आप जरूर पंडाल की तरफ आ जाएं, आप अंदर आ जाएं, रास्ता बाधा हम न करें, आवागमन सही चलता रहे, यही हम सबका फर्ज बनता है। अभी चौधरी साहब हमारे बीच में, चंद मिनटों में हमारे बीच होंगे,
टपराना जिंजाने के बीच है, मुझे लगता है कि 5-7 मिनट में ही आपके बीच होंगे जिनका आप इंतजार कर रहे हैं। अगले वक्त के रूम में मैं सोनपाल कसेरवा जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ है उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सक्षम अपने विचार रखें, समय का जरूर ध्यान रखें। इसके बाद रंधौल जी भी तैयार रहेंगे, रंधौल जी जो अंदर उड़ जाए हैं चौ साहब के ऊपर राग निकालते हैं बिल्कुल तैयार आप रहे, इनके बाद आप ही का नंबर है। सर्वप्रथम मैं हाजी मोहम्मद फिरोज खान जी का राष्ट्रीय लोकदल में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज की सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित जिला शामली के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे हुए सभी सम्मानित नागरिकों, दोस्तों, आज़ादी मिली, कुर्बानियां हुई, कुर्बानी किन लोगों की हुई, जो लोग हमारे वर्ग से थे, मिडिल क्लास से थे, लेकिन सत्ता कहाँ गई, जहां अंग्रेजी राज में थी, सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, हम लोग कुर्बानियां देकर रह गए और सत्ता पर वही लोग काबिज हो गए जो अंग्रेजों के जाने के बाद होने थे, राजा थे, महाराजा थे, नवाब थे, वही लोग काबिज हुए। और वजह, वो लोग अधिकार जानते थे, कर्तव्य नहीं। भारत माता के दो बेटे पैदा हुए, अधिकार और कर्तव्य। अधिकार सबको पसंद आया, हाथों हाथ उठा लिया, सब अधिकार के पीछे दौड़ पड़े, कर्तव्य को सब भूल गए, कर्तव्य जो है विलीन हो गया। दोस्तों, सब अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात कोई नहीं करता। नेता झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, चुनाव आया, किसान मजदूर, किसान मजदूर, ना व्यापारी की बात है, ना किसी नौकरी पेशा की बात है, ना किसी अधिकारी की बात है, किसान मजदूर की बात सब करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। पैसा बढ़ता है किसका, नौकरी पेशाओं का, अधिकारियों का, नेताओं का। और किसान जहां था सन 47 में, आज भी वही खड़ा है, कर्जदार था, कर्जदार रहेगा। हम लोगों को बांट दिया है लोगों ने, मेरी उम्र का करीब 70 साल है, 90 से पहले मेरा गांव कसेरवा, मेरे पश्चिम में सब मेरे मुस्लिम भाई हैं, बराड़ा है, गोगवान है, बदूपरा है, चरमी गांव है सब। हमें नहीं पता था हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है, एक बार नाम बोल दे, बोल देने से भाईचारा वही था, बिल्कुल भाई भाई, ना हिंदू की बात करता था, ना मुसलमान की बात थी, ना बंटवारे की बात थी, ना पाकिस्तान की बात थी, ना हिंदुस्तान की बात थी। सन 90 भाजपा का उभार आया, ईंट रखकर जीप में, गाड़ियों में, गांव में घूमे, राम के नाम पर, राम के मंदिर के नाम पर, मंदिर के नाम पर हिंदू एक तरफ चला गया, मुसलमान एक तरफ चला गया, हिंदू मुसलमान का बखेड़ा खड़ा कर दिया। मैं मंदिर का विरोध नहीं करता, मंदिर बने, लेकिन भाईचारे से, आपस की, बिल्कुल आपस में बात करके, आपस की सहमति से मंदिर बने। आज जो भी बात करता है हिंदू मुसलमान की बात करता है, क्यों, क्या वजह है, हमें दिखाई दे रहा है हिंदू मुसलमान बट गया, यही तो वजह है, लेकिन बटा नहीं है, आज भी हम भाई भाई हैं और भाई भाई रहेंगे। ये लोग चले जाएंगे जो आए हैं, हम यहीं रहेंगे, यहीं के निवासी हैं, यही हमारा जन्म हुआ है, ये हमारी संपत्ति है, ये हमारा घर है, हमारी जमीन जायदाद है। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा किसानों और मजदूर भाइयों से, जो लोग भूल जाएं कौन सपा का है, कौन बसपा का है, कौन कांग्रेस का है, कौन भाजपा का है, अगर जिंदा रहना, 6,000 का दे दिया हमें दान, हम वापिस करते हैं सर, हमें नहीं चाहिए 6,000 रुपये, 6,000 का क्या होगा, हमको भिखारी थोड़ा ही है। बड़े बड़े पोस्टर दिए, किसान को पता नहीं क्या दे दिया भाई,
अखबारों में, टेलीविजन में, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या दे दिया, कितना बड़ा चीज दे दी। तो दोस्तों सावधान हो जाओ, अगर बचना है इस बार आखिरी मौका है आप लोगों के लिए, आखिरी मौका एक हो जाओ और इन झूठे और फरेबी लोगों को, झूठे वादे करने वालों को इस देश से बाहर करो, सत्ता से बाहर करो, तभी आप लोगों का भला होगा। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल, जय भारत।